नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। कोर्ट से राहत की आस लिए बागी नेताओं का भविष्य अब क्या होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य विधायकों को वोट देने और विधानसभा का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं दी है। तो क्या ये बागी नेता दोबारा विधायक बन पाएंगे? अगर ये नेता दोबारा विधायक बनने की सोच भी रहे होंगे तो फिर सवाल ये है कि ये बागी किस सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? क्या ये नेता आने वाले उपचुनाव में आजाद के तौर पर ताल ठोकेंगे? क्या भाजपा इनको टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाएगी या फिर कांग्रेस दोबारा ज्वाइन करने के लिए सुलह का कोई रास्ता बचा है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के साथ हिमाचल की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। ऐसे में इन नेताओं के सियासी भविष्य की चर्चाएं आम होती जा रही हैं। इन बागियों का कांग्रेस में वापसी का कोई रास्ता दिखता नहीं, और अगर भाजपा इनको टिकट देती है तो भाजपा के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो पहले से खुद की दावेदारी की आस में बैठे हैं? सवाल ये है कि क्या अब जनता इन नेताओं पर भरोसा करेगी? जाहिर है अगर ये बागी नेता किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर इनको आजाद ही मैदान में उतरना पड़ेगा। इस कंडीशन में इनके विरोध में भाजपा और कांग्रेस भी अपने अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो फिर ये उपचुनाव किसके लिए मुश्किल भरा रहेगा? क्या इन बागियों के लिए ये अग्नि परीक्षा होगी या फिर कांग्रेस के लिए? भाजपा को उपचुनाव से कोई नुकसान होता दिख नहीं रहा, क्योंकि भाजपा को सिर्फ अपने विधायकों की संख्या बढ़ानी है। ऐसे में भाजपा जीते चाहे हारे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर भाजपा का एक या दो विधायक बन भी गए तो भाजपा का संख्या बल बढ़ना ही है। वैसे भी लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव का होना ही भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में पहले से ही 6 विधायकों की संख्या कम हो चुकी है, तो कांग्रेस को उपचुनाव जीतना बेहद ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को बहुमत के लिए 35 विधायकों की संख्या चाहिए, जो अभी फिलहाल 34 विधायकों का संख्या बल है। कांग्रेस के लिए चुनौती ये है कि वो अपने 34 के आंकड़े को कैसे 35 से 36 या फिर और आगे बढ़ाए। रही बात बागियों की, अगर बागी आजाद चुनाव लड़ते हैं और इनमें से कोई जीत भी जाता है तो जिस प्रकार के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हैं, ऐसे में ये नेता भाजपा को ही अपना समर्थन देंगे और भाजपा का ही संख्या बल बढ़ाएंगे। भाजपा के एक या दो विधायक भी जीते तो भाजपा को फायदा, और अगर आजाद में एक या दो विधायक जीते तो उसमें भी भाजपा का ही फायदा। जाहिर है भाजपा की पांचों उंगलियां घी में हैं, मतलब भाजपा को हर तरफ से फायदा मिलता ही दिख रहा है। फिलहाल कांग्रेस की सरकार तो बची हुई है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव का होना एक बड़ी चुनौती है। उधर बागी नेताओं की हालत तो ना घर के और ना घाट के जैसी हो चुकी है। अगर उपचुनाव में जनता ने इन पर भरोसा नहीं किया तो इन बागी नेताओं का सियासी भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। ना तो ये बागी नेता भाजपा में जाने के लायक रहेंगे और ना ही कांग्रेस में वापसी का कोई रास्ता बचेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।